Hello friends, I am Dr. Jasleen Arora, consultant neonatologist and pediatrician at Amandeep Medicity Hospital, Amritsar. Today friends, we are going to talk about the newborns, the normal newborns and the common conditions which affect them. The normal newborn kaun hota hai? Ek normal newborn wo hota hai jo bachcha 37 weeks ke baad paida hota hai, yani near the end of 9 months. वो पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा एक्टिव होता है और बच्चा रो पड़ता है। ऐसे बच्चे को हम नॉर्मल न्यूबॉर्न कहते हैं। ये नॉर्मल न्यूबॉर्न की केयर कैसे की जाती है? एक नॉर्मल न्यूबॉर्न को एज अर्ली एज पॉसिबल मदर के पास शिफ्ट किया जाता है ताकि मदर बेबी बॉन्ड स्टार्ट हो सके, मदर अपने बेबी को होल्ड कर सके एंड द ब्रेस्ट फीडिंग कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब एक बच्चा अपने माँ के साथ माँ के दूध पीता है और माँ के साथ माँ की ब्लैंकेट में रहता है, इट हेल्प्स इन द थर्मोरेगुलेशन ऑल्सो। बच्चा ठंडा नहीं होता, बच्चा वार्म रहता है, बच्चे के ब्रेस्ट फीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। मदर के लिए भी इसके बेनिफिट्स रहते हैं कि जब मदर एज अर्ली एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करती हैं तो उनको जो यूट्रस होता है इट स्टार्ट्स इन्वोल्यूटिंग, मतलब वो अपनी प्री प्रेगनेंसी शेप में जाना जल्दी जल्दी स्टार्ट कर देता है। मदर को अगर नॉर्मल हुआ है या सिजेरियन हुआ है द पेन ऑल्सो डिक्रीजेज सब्सटैंशली इफ़ द मदर स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग हर बेबी एज अर्ली एज पॉसिबल। उसके अलावा हम बच्चे की हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फॉर द इनिशियल फ्यू डेज वी जनरली स्पॉन्ज द बेबी। बच्चे को सिर्फ स्पॉन्जिंग कीजिए एंड चेंज क्लोथ्स एवरी डे और वेन एवर यू फील द बेबीज क्लोथ्स आर सॉइल्ड। बच्चे के जब भी आपको कपड़े गंदे लगे आप बच्चे के कपड़े चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम बच्चे का जब नाड़ू गिर जाता है तो हम बच्चे को डेली या अल्टरनेट डे बाथ्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को नहलाते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जैसे बच्चे को एक बंद कमरे में नहलाइए जहाँ पे हवा ना आ रही हो ताकि बच्चा ठंडा ना हो। बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाइए जो बिल्कुल बॉडी अप्रोप्रिएट हो, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। उसके लिए आप पहले से पानी भर के रखिए और उसका टेम्परेचर चेक करके रखिए। सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट एक्सपोज कीजिए और फटाफट बच्चे को नहलाइए। सर जो है बच्चे का वो एंड में नहलाइए और सबसे पहले ड्राई कीजिए। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइजीन में तो नेल्स की बात आती है। जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके नेल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनको हम अपने हाथ से ही पील कर सकते हैं, तो वो आपके न्यूबॉर्न्स के नेल्स जो है बच्चा अपने आईज में नहीं मारेगा, ये बच्चे स्क्रैच नहीं करेगा, सो चांसेस ऑफ आई इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस। आफ्टर मेंटेनिंग द हाइजीन वी आर वरीड अबाउट कि बच्चे का मसाज कैसे करें। सी आई टेल यू फ्रेंड्स, मसाज इज़ वेरी गुड फॉर योर बेबीज। बच्चे को आप उल्टा लिटाएं, सीधा लिटाएं, लेग्स की मसाज करें, आर्म्स की मसाज करें, बैक की मसाज करें, नेक की मसाज करें। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर स्टिमुलेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन्स एंड मसल्स ऑफ द बेबी एंड इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट मसाज हेल्प्स इन बिल्डिंग द मदर चाइल्ड बॉन्ड। अगर हम ट्रेडिशनल दाइज या मालिश वाले की मदद ना लें और माँ अगर अपने बच्चे की खुद मालिश करे तो मदर का जो हीलिंग टच जिसे हम कहते हैं मदर की, माँ के हाथों से बच्चे को प्यार का एहसास होता है, जो बच्चा है उसको बहुत ही वार्म तो बहुत प्रोटेक्टेड फीलिंग आती है जो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन बिल्डिंग द मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस इन मदर ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द बेबी। सो फ्रेंड्स, मसाज योर बेबी योर सेल्फ्स एंड डोंट टेक हेल्प ऑफ द ट्रेडिशनल डाइस। अदर देन द मसाज विच ऑयल्स एंड सोप्स एंड मसाज ऑयल कैन बी यूज, एनी अनसेंटेड अनपरफ्यूम्ड हाइपोलर्जेनिक सोप एंड ऑयल कैन बी यूज। द बेस्ट इज कोकोनट ऑयल मसाज एंड फ्रेंड्स डोंट यूज मस्टर्ड ऑयल्स, एनी सेंटेड कलर्ड फ्रेगनेंट ऑयल्स विच कैन कॉज एलर्जी टू योर बेबीज। दीज डेज वी डोंट इवन रिकमेंड ऑलिव ऑयल फॉर योर बेबीज, सो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट फॉर योर बेबी। आफ्टर दैट वी कम टू द अम्बिलिकल कॉर्ड, हाउ टू टेक केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। फ्रेंड्स, वेन यू टेक केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड मेक श्योर दैट यू कीप इट ड्राई एज मच एज पॉसिबल सो दैट इट ड्राइज ऑफ एंड फॉल्स अर्ली। जनरली नाड़ू जो है अपने आप से सूख के 10 से 14 दिन में गिर जाता है। जो स्टम्प रह जाता है कई कई बार वो पीला हो सकता है, तो उस पर आपने बीटाडीन या स्टेरिलियम आप लगा सकते हैं
दिन में 2 से 3 बार बिल्कुल साफ हाथों से। अगर अम्ब्लाइकल कॉर्ड से पानी सिमता है या पस पड़ती लगती है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है या आपको लगता है स्टूल आ रहा है या कुछ भी ऐसी नॉर्मैलिटी लगती है, स्वेलिंग लगती है, तो दैट इज़ अ डेंजर साइन। कंसल्ट योर डॉक्टर एंड मेक श्योर कि आपकी बेबी का अम्ब्लाइकल कॉर्ड ठीक है या नहीं। उसके अलावा डायपर पे हम बात करना चाहेंगे कि डायपर यूज़ करना सेफ है कि नहीं। फ्रेंड्स, डायपर्स दीज डेज आर सेफ, वी कैन यूज़। डेफिनेटली अगर आप घर का लंगोट यूज़ करते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। घर का लंगोट यूज़ करने से बच्चे को यूटीआई के रिस्क, बच्चे को रैशेज होने के रिस्क, बच्चे को बारी बारी इन्फेक्शन होने के रिस्क कम हो जाते हैं। बट If you are working and you want to use diapers, use high quality, good quality diapers जिनकी absorbance power अच्छी हो। Diaper को आप frequently change कीजिए, हर 4 से 6 घंटे में diapers change कीजिए। अगर बच्चे ने stool pass की है तो आप फटाफट से बच्चे का diaper change कीजिए। Diaper use करते वक्त diaper rash cream का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, इससे आपके बच्चे के rashes होने के chances काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर आपके बच्चे के रैशेस हो रहे हैं किसी डायपर से तो आप ब्रांड चेंज कीजिए, थोड़े दिन डायपर का इस्तेमाल मत कीजिए और डॉक्टर की सलाह से यू कैन यूज़ सम क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट्स आल्सो टू हेल्प द डायपर रैश गेट बेटर। उसके अलावा गर्मी का सीज़न है आजकल, तो हम बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं या पूछते हैं कि शुड वी यूज़ एसीज, एसी का इस्तेमाल करें, कूलर का इस्तेमाल करें कि ना करें। बच्चा तो भी सिर्फ 5-6 दिन का है, बच्चा तो बहुत वीक है, बता भी नहीं सकता। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, एसीज एंड कूलर्स आर अ ब्लेसिंग इन दिस स्वेल्टरिंग हीट। आई टेल यू कि इवन किड्स कांट स्टे विदाउट एन एसी। इतनी गर्मी है कि अगर हम बच्चे को इतनी हीट को एक्सपोज करते हैं तो हाइपरथर्मिया के रिस्क, ओवरहीटिंग के रिस्क, हीट स्ट्रोक के रिस्क बहुत बढ़ जाते हैं। तो एसी का यूज़ करना बिल्कुल सेफ है, कूलर का यूज़ करना बिल्कुल सेफ है इन द न्यू बॉर्न पीरियड ऑल्सो। बट कुछ प्रिकॉशंस रहती हैं जो फॉलो करनी चाहिए इन द न्यू बॉर्न पीरियड व्हेन वी आर यूजिंग एसीज और कूलर्स। उसमें से सबसे पहले यही रहता है कि आप बच्चे को बिल्कुल एसी या कूलर के नीचे मत रखिए, बच्चे को इनडायरेक्ट कूलिंग में रखिए ताकि उस रूम में जिसमें आपने रखा है उसका एनवायरनमेंट कूल होना चाहिए एंड इट शुड बी थर्मोन्यूट्रल। थर्मोन्यूट्रल किसे कहते हैं? जिसमें बच्चा अपना हीट और टेम्परेचर मेंटेन कर सके और वो रहता है 26 से 28 डिग्री के बीच में। तो अगर आप कूलर यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर 26 टू 28 के बीच में सेट कीजिए। बच्चे को फुल कॉटन की क्लोथिंग डालिए और सॉक्स डाल सकते हैं आप ताकि बच्चा ठंडा ना पड़े। बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चा तो कंबल के नीचे रहता नहीं, ये तो चादर ओढ़ता ही नहीं, ये तो पैर मार मार के गिरा देता है। तो उसमें हम बच्चे को पूरी क्लोथिंग डालें ताकि बच्चा पैर मार मार के ना उतार सके, अच्छी सॉक्स डालें और यू कैन यूज़ बूटीज़ वाली लेगिंग्स जो आती हैं विच लुक वेरी क्यूट ऑल्सो फ्रेंड्स। तो यू कैन यूज़ बूटीज़ वाली लेगिंग्स ऑल्सो टू मेक योर बेबी वार्म एंड कम्फर्टेबल। मेक श्योर दैट यू लेयर द बेबी, बहुत सारा मोटा कपड़ा मत डालिए, बिल्कुल पतला कपड़ा मत डालिए। आप बच्चे के ऊपर 1-2 लेयर्स डाल सकते हैं, तो जब आपको लगे कि बच्चे को गर्मी लग रही है आप वो लेयर उतार सकते हैं, या आपको लगे कि बच्चे को ठंड लग रही है तो आप बच्चे को वापस लेयर डाल सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मेंटेन द बेबी इन द एसी। उसके अलावा एसी में स्किन ड्राई होने का रिस्क काफ़ी हाई रहता है, तो मेक श्योर दैट यू आर मसाजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग योर बेबी स्किन फ्रीक्वेंटली सो दैट द बेबी स्किन डजंट गेट ड्राई। अदर देन दैट, दिस इज़ अ वेरी कॉमन सेंस कि जब हम बच्चे को एक रूम से, ठंडे रूम से दूसरे रूम तक लेके जाना चाहते हैं जहाँ बाहर गर्मी है, तो आप थोड़ी देर से पहले आप एसी बंद कर दें सो दैट द बेबी गेट्स टाइम टू एडजस्ट बिफोर गोइंग टू द वार्म प्लेस। देन बहुत सारे पेरेंट्स ही पूछते हैं, मैम ये तो सुसु पॉटी करता रहता है सारा टाइम, दूध पीता है, पॉटी करता है, क्या ये नॉर्मल है? बच्चे का पॉटी कौन से कलर का होता है? बच्चा यूरिन दिन में कितनी बारी पास करता है? तो आई जस्ट टेल यू फ्रेंड्स, जो बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है दिन में 24 घंटे में 6 से 8 बार यूरिन पास कर सकता है। सर्दियों में यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और बच्चों में पॉटी करने की फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करें तो जो ब्रेस्टफेड बेबीज़ हैं वो 1 दिन में 7 से 8 बारी भी पॉटी कर सकता है और 7 से 8 दिन में 1 बारी भी पॉटी कर सकता है, विच इज़ बोथ नॉर्मल। अगर आपके बच्चे को यूरिन एडिक्वेटली आ रहा है, मतलब 6 to 8 times in 24 hours, आपका बच्चा कम्फर्टेबल है, और अगर आपके बच्चे को दूध पीने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो अच्छे से दूध पी रहा है, अच्छे से सो रहा है,
तो प्लीज फ्रेंड्स डोंट वरी अबाउट द स्टूलिंग पैटर्न. किड्स हैव वेरी स्मॉल स्टमक्स, जैसे ही दूध पीते हैं वैसे ही पॉटी कर देते हैं. टू मेक द स्पेस फॉर द न्यू मिल्क. इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को दूध नहीं लग रहा, दूध लग रहा है, वो डाइजेस्ट हो रहा है, तभी तो पॉटी बन पा रही है. सो डोंट वरी अबाउट द स्टूलिंग पैटर्न. फीड योर बेबी फ्रीक्वेंटली एज द बेबी डिमांड्स एंड एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड योर बेबी टिल 6 months ऑफ एज. योर बेबी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सो मैनी डिसीजेस. अदर देन दैट वी कम टू द वैक्सीनेशन इन द न्यू बॉर्न पीरियड. What to do about the vaccination? See, most of the babies are born in a hospital setting. So, a basic birth dose of BCG, which protects us against tuberculosis, hepatitis B and OPV are given at birth. The next vaccination is due after 1.5 months or 6 weeks, as we say, which will be told to you by your pediatrician and you follow up with them for the vaccination of the baby. Both the government hospital setting vaccines and the private setting vaccines are safe and very important to be taken. No kid should be missed. कि हम सरकारी लगवाना चाहते हैं या प्राइवेट लगवाएं, ये डाउट को दूर रख के आप अपने बच्चे को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं, बिकॉज वैक्सीनेशन प्रिवेंट्स द बेबीज फ्रॉम सो मैनी डिजीजेज. बच्चे को अगर वो बीमारी हो जाए तो बच्चे को देखना दर्द से कराते हुए या बच्चे को फ्रीक्वेंट फीवर आना, इट्स वेरी टफ. एज अ पेरेंट आई एम टेलिंग यू. So get your baby vaccinated on time and don't miss your vaccination appointment.